गाजियाबाद में बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बरेली में भाजपा नेता अर्जुन कुमार अग्रवाल ने एक घर में घुसकर अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपति उनकी बेटी को बेरहमी से पीटा। वही मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने भाजपा नेता सहित 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर। बुलंदशहर में बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक इनामी बदमाश को गोली लगी। भाजपा नेता सुनील दर्शन को मुजफ्फरनगर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा, 20 साल पुराना है मामला। सिद्धार्थनगर के एक सरकारी स्कूल में एक टीचर अनोखे अंदाज में बच्चों को पढ़ा रहा है, टीचर सिंगिंग स्टाइल में शिक्षा दे रहा, बच्चे भी काफी रुचि ले रहे हैं। मैनपुरी में भी सपा में सेंधमारी में जुटी भाजपा, आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जसवंत नगर में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, जल्द ही सपा से जुड़े लोग भाजपा में हो सकते हैं शामिल। मैनपुरी में भाजपा नेता करेंगे जनसंपर्क, भाजपा नेता एसपी सिंह बघेल और सुब्रत पाठक पहुंचेंगे मैनपुरी, भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाके के समर्थन में करेंगे जनसंपर्क। हथौली उपचुनाव के लिए प्रचार में तेजी, रालोद प्रत्याशी मदन भैया जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं, आज अंतवाड़ा गांव में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। यूपी में निकाय चुनाव की घोषणा, दिसंबर से पहले हफ्ते में संभव, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद तारीखों के ऐलान संभव, सत्र की समाप्ति के बाद हो सकता है ऐलान। आज भी हरिद्वार में जारी रहेगी पूर्व सीएम हरीश रावत की भारत जोड़ो यात्रा, भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कसा तंज। मेरठ पुलिस ने फर्जी आर्मी ऑफिसर को किया गिरफ्तार, आर्मी में भर्ती के नाम पर दो युवकों से 16 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। कानपुर में इलेक्ट्रिक बस की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, जूटी रोड पर मजार के पास यह हादसा हुआ। हाथरस में एलपीजी सिलेंडर फटने से मां बेटी की मौत, सिलेंडर रिसाव के कारण घर में लगी आग, पूरा सामान हुआ राख। सुल्तानपुर के पास एसटीएफ और पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लग्जरी बस से 78 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। चंदौली में NH2 पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत, सैयद रजा थाना क्षेत्र के बघी गांव के पास हादसा। गोरखपुर से दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल होने पर मुश्किल में फंसे यात्री, गोरखपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों का घेराव किया। मेरठ के सरकारी स्कूल में छात्रों से कराया जा रहा उर्दू में प्रार्थना, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। चित्रकूट में चर्चा का विषय बना हुआ है वायरल वीडियो, ट्रक से ऊपर नीचे कर रहे व्यक्ति की सफेद परछाई का वीडियो वायरल, इलाके में भूत होने की। रायबरेली में कार सवार दबंगों ने लोडर चालक और क्लीनर को पीटा, ओवरटेक करने के दौरान विवाद हुआ था। लखनऊ में कैसरबाग बस अड्डे पर दंपति को चोरों ने बनाया निशाना, दंपति के जेवर से भरे बैग को ले उड़े चोर, जेवर की कीमत करीब बताई जा रही 15 लाख रुपए। सीतापुर में तहसील के सामने शराब के नशे में धुत मिला लेखपाल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, SDM महोली पूनम भास्कर ने लेखपाल को किया निलंबित। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार स्कूल वैन बीच सड़क पर पलटी, आधा दर्जन बच्चे हुए चोटिल, आसपास के लोगों ने इको वैन से घायल बच्चों को निकाला बाहर। हरसिंहपुर गोवा क्रॉसिंग के पास फरुखाबाद से आ रही मालगाड़ी के पहिए पटरी से उतरे, चालक की सूझबूझ की वजह से चला बड़ा हादसा। लखनऊ में एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, एयर एशिया के यात्रियों ने एयरपोर्ट पर किया हंगामा, उड़ान में लगातार देरी से भड़के यात्री। रामपुर में हेट स्पीच के मामले में आजम खान MP MLA कोर्ट में पेश हुए, कोर्ट से आजम को मिली रेगुलर जमानत। रामपुर में अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से लगा झटका, दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में लगा झटका, अब्दुल्ला के वकील की आपत्ति को कोर्ट ने खारिज किया, 25 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। आजमगढ़ में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के बयान पर विवाद, दिनेश लाल ने आजमगढ़ की जनता को बोला मनबढ़। प्रयागराज में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, शराब की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्य हुए गिरफ्तार। उरई तहसील में वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात पलक नायक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट से आरोपी के खिलाफ जारी हुआ था नॉन बिलेबल वारंट। लखनऊ में सचिवालय में नौकरी के नाम पर ठगी, एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ जारी। लखनऊ में एक तरफा प्यार में युवक ने युवती से की दरिंदगी, युवती का अश्लील वीडियो बनाकर युवती के पिता को भेजा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में नौबस्ता थाना पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का किया खुलासा, 5 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पकड़े गए चोरों के पास से चोरी के मोबाइल फोन और माल भी बरामद हुआ।
सीतापुर के थानगांव थाना क्षेत्र में 13 लाख की ठगी करने का मामला है सामने। जमीन में गढ़ा सोना निकलवाने की बात कहकर ठगे 13 लाख रुपए। सोनभद्र में नगर पंचायत ओबरा में लफ्जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर हिंदू युवती का शारीरिक शोषण किया। रायबरेली में 36 घंटे के बाद पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। पैसे की लालच में मजदूर महिला की गला रेतकर हत्या की थी। कानपुर में रहने वाली 3 तलाक पीड़िता ने सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार। पीड़िता ने सुनवाई नहीं होने पर बेटी के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी। वही बांदा में अस्पताल के शौचालय में बेहोश मिली किशोरी के मामले में बड़ा खुलासा। अस्पताल के स्वीपर ने दिमागी रूप से कमजोर किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में उतरे कैबिनेट मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि जो कभी नहीं हुआ वो होगा। रामपुर चुनाव में भाजपा कमल खिलाकर रचेंगे इतिहास। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि जल्द ही मैनपुरी में सपा से जुड़े हुए लोग बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मैनपुरी उपचुनाव में चुनावी प्रचार करने पहुंचे भाजपा प्रदेश महामंत्री अश्विनी त्यागी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। मैनपुरी उपचुनाव के लिए सपा ने झोंकी ताकत। कई जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं अखिलेश यादव। हमीरपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के काफिले के सामने बीच सड़क पर बैठा बाढ़ पीड़ित। केंद्रीय राज्य मंत्री ने सुनी पीड़ित परिवार की बात। मसूरी में सीएम धामी ने कैंपटी फॉल पहुंच करके त्रिसवा अगलाड घाटी खेल में लिया प्रतिभा। कैंपटी में लगने वाले इस मेले को 2 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कुमाऊं कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कोठारी ने पदाधिकारियों के साथ आगामी संगठनात्मक चुनाव की रणनीति पर चर्चा की है। गंगोत्री एनएच बंदरकोट के पास डेंजर जोन बना हुआ है। बारिश के बाद बीआरओ और जिला प्रशासन इस जगह पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उधम सिंह नगर के गदरपुर में एक स्कूल में सिलेंडर में लगी आग। आग से गैस पर बन रहा खाने का कुकर भी फटा। अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। काशीपुर के स्टोन क्रशर स्वामी के बहुचर्चित हत्याकांड के साजिशकर्ताओं के फार्म हाउस पर कुर्की वाली कार्रवाई हुई है। उत्तरकाशी में अवैध नशा कारोबारियों के खिलाफ एक्शन मोड पर पुलिस। अवैध नशा तस्करों के विरुद्ध पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण पर हरिद्वार प्रशासन हरकत में दिखाई दे रहा है। प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण चिन्हित करके उन्हें नोटिस दिए गए। पिथौरागढ़ में अपर पुलिस महानिदेशक ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की, साथ ही नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक भी किया। रुद्रप्रयाग में प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक ने जहर पिलाकर युवती की हत्या कर दी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रुड़की में पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 युवकों को किया गिरफ्तार। युवकों से एक तमंचा कारतूस सहित बाइक भी बरामद की है। कानपुर में सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान नुपुर क्लासरूम के साथ तिरंगा अगरबत्ती के सौजन्य से नृत्य नाटिका कबीर का मंचन किया गया। लाजपत भवन प्रेक्षागार में वंदना देव रॉय ने शानदार प्रस्तुति दी। तिरंगा ग्रुप के चेयरमैन नरेंद्र शर्मा ने कहा कि भारत की धरती से पूरी दुनिया में कबीर दास जी तुलसीदास जी की रचनाओं ने दिया है गहरे संदेश। इनके दोहे और चौपाई में छिपे हैं जीवन के बहुत से संदेश। लखनऊ में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम कार्यालय पर प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में विद्युत कर्मचारियों का हल्ला बोल। 15 सूत्री मांगों को लेकर रोजगार हड़ताल पर बैठे हुए हैं विद्युत कर्मचारी। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।